इसका हम सबसे मेन उदाहरण लेना चाहेंगे जो परमेश्वर का बहुत ही अच्छा जन था सुलेमान। ठीक, सुलेमान, सुलेमान के बारे में जानते ही होंगे सब, दाऊद का बेटा। तो सुलेमान भी जो है परमेश्वर का बहुत ही प्रिय जन था, बहुत ही अभिषिक्त जन था, मगर इसकी दशा क्या हुई हम लोग देखते हैं जब हम लोग राजा में पढ़ेंगे, इतिहास में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हमको जानकारी मिलेगा। समझ रहे हैं ना? तो साउल सुलेमान के बारे में सब कोई बढ़िया से जानते हैं कि सुलेमान जो है दाऊद का बेटा था और किस तरह से परमेश्वर ने उसको संपत्ति दिया, आशीषें दी। परमेश्वर सबसे पहले तो उसने जो है परमेश्वर से क्या मांगा, बुद्धि मांगा, और परमेश्वर ने उसको साथ साथ बहुत सारी और भी अन्य वस्तु दे दिया, प्रॉपर्टी दे दिया, धन दौलत दे दिया, शान शौकत दे दिया, मगर उसके बावजूद भी जो है वो परमेश्वर के प्रति खरा नहीं निकला। संसारिक वस्तु से उसको प्रेम हो गया। जहां पे एक पत्नी दो पत्नी रखना चाहिए वहां पे बहुत सारी पत्नियां, बहुत सारी, इसका कोई काउंटिंग नहीं है, संसारिक वस्तु से प्रेम। और यही नहीं, जैसे कि हम लोग मसीह में शादी करते हैं, सुलेमान जो है प्रभु में शादी ना करके अन्य जातियों से, गैर मसीह लोग से शादी कर लिया, वो भी परमेश्वर के भवन को टुकड़ा के मंदिर बनवा दिया, और वो लोग के देवी देवताओं को क्या करने लगा, पूजने लगा। संसारिक वस्तु से इतना प्रेम कि परमेश्वर को भूल गया, परमेश्वर से बात करता था, इतना उसको आशीष दिया था, मगर वो परमेश्वर के प्रेम को भूल गया। ये सब काम किया, संसारिक वस्तु से इतना प्रेम किया कि वो प्रभु को ही भूल गया, प्रभु के प्रेम को भूल गया। दाऊद का बेटा था, इतना परमेश्वर ने इसको बुद्धि दिया था, पूरा बुद्धि से परिपूर्ण था, इसके जैसा कोई बुद्धिमान राजा था ही नहीं उस समय इसराइल में, धनी भी था। एक बार दो औरतें आती हैं सुलेमान राजा के पास, छोटा सा स्टोरी है, किताब में बहुत सारे जगह पे होगा, है ना, सेवा की रानी ना, तो उसमें क्या है कि दो औरतें आती हैं, तो एक पहले आती है, बोलती है कि महाराज मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को किसी ने, औरत ने ले लिया, किडनैप कर लिया है, मुझे दिला दीजिए उसको। तो राजा बोले फिर कि कौन है औरत, उसे यहाँ पर लेकर आओ। तो वो भी आती है, तो वो भी आगे बोलती है कि नहीं महाराज ये मेरा बेटा है। दोनों लग जाते हैं कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। अब राजा करे तो करे क्या, मगर राजा तो बहुत बुद्धिमान था ना, उसने क्या बोला मालूम है, बेटे को उधर लाओ, दो भाग में चीर दो उसको, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो। तो जो उसकी असल में माँ थी ना, नहीं महाराज जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, आप इसी को दे दीजिए, इसी के पास रहेगा, इसी का बेटा है ये। तो राजा समझ गया एक माँ के अंदर ही इतना प्रेम हो सकता है अपने औलाद के प्रति, तो उसको दे दिया, इसको जेल खाने में डाल दिया। बुद्धिमान ऐसा राजा, ऐसा बुद्धि दिए थे, वो भी परमेश्वर से फिर गया, संसारिक वस्तु के चलते, उलझाने वाले, पाप रोकने वाली वस्तु के चलते उसका जीवन बर्बाद हो गया। समझ रहे ना? तो हम लोग को जांचना है कि ऐसा कोई संसारिक वस्तु का प्रेम हमारे जीवन में तो नहीं है। तो ये देख रहे थे कि हम लोग कि ये सब उलझाने वाले पाप के चलते ये परमेश्वर के लोग जो है अपना जीवन बर्बाद कर लिए, संसार में चले गए, अपना अभिषेक खो दिए, अपने आप को बर्बाद कर दिए ना। मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उलझाने वाले पाप में, रोकने वाली वस्तु में गए, पाप में गिरे, गंदगी में गिरे, परमेश्वर से दूर हुए, मगर वो गिरे गिरे नहीं रहे, वहां से उठे और परमेश्वर उनको उठाया तो वो बहुत आगे भी बढ़े। सबसे बड़ा उदाहरण दाऊद है। भजन संहिता 51 में पढ़ेंगे तो समझ जाएगा, समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। 51 में देखेंगे कि दाऊद किस तरह से पश्चाताप कर रहा है।
दाऊद ने हर प्रकार के पाप किए थे, व्यभिचार किया, हत्या किया और बहुत सारे गुनाह किए थे उसने, और परमेश्वर ने उसको सजा भी दिया था। मगर दाऊद वहीं पर पड़ा पड़ा नहीं रहा, परमेश्वर से घुटना टेका, उपवास रख के रात दिन प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया। दाऊद का नाम इतना फेमस हुआ बाइबल में, जहां कहीं भी देखेंगे दाऊद की संतान, दाऊद का बेटा, दाऊद का पोता, तरह तरह के जगह पर दाऊद का नाम आता है। तो हमें इन लोगों के जैसा नहीं बनना है, सिमसोन के जैसा, सुलेमान के जैसा, योदा इस्करियोतियों के जैसा, कैन के जैसा नहीं बनना है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, कोई ऐसे उलझाने पाप के चलते आप गिर गए हैं, रोकने वाली वस्तु के चलते आप पाप में गिर चुके हैं, तो हमें दाऊद के समान पश्चाताप कर पुनः वापस लौट कर आना है, तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। एक समय हम लोग भी पापी थे, हम लोग भी बहुत गलत काम करते थे, संसार में चलते थे, मगर प्रभु ने हमें अपना दास बनाया ना। तो अपने आप को जांचना है कहीं ऐसा चीज हमारे अंदर भी तो नहीं है। पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, पाप किया ना, यीशु मसीह के साथ रहता था। जब सब सैनिक उससे पूछ रहे थे, सोल्जर्स पूछ रहे थे, रोमन सोल्जर्स पूछ रहे थे, क्या तुम यीशु मसीह को जानते हो, बोला कि नहीं जानता हूं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार यीशु मसीह का उसने इनकार कर दिया। मगर पतरस वहीं पर पड़े पड़े नहीं रहा, उसने यीशु मसीह से क्षमा मांगा, प्रार्थना किया, दुआ किया, वो वापस खड़ा हुआ और पतरस को, उसी पतरस को यीशु मसीह ने बहुत आशीष दिया। कितनी कलिसिया को खड़ा करवाया, बहुत लोग को उद्धार का कारण बना, बहुत ब्लेस हुआ ये। पतरस और दाऊद हमारे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल, नमूना है, उदाहरण है कि हम यदि हम भी चूक गए हैं, हम भी गिर गए हैं, तो हम भी उठेंगे, हम भी क्षमा मांगेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रभु हमें भी आशीष देगा जरूर। समझ रहे ना? तो आज हमने जो सीखा है मसीह जीवन में उलझाने वाले पाप के विषय में, तो हमें अपने आप को जांचना है, इसका कंक्लूजन यही है, अपने आप को जांचें और ऐसे ऐसे पाप से हमको दूर रहना है, अनदेखा नहीं करना है, और ऐसा भी नहीं करना है कि एक कान से वचन सुने, एक कान से निकाल दिए। वचन को सुनना है, क्या हमने समझाया, क्या हमने बताया, उसको सोचना है, उस पर काम करना है हमको। ये मेरे लिए भी है, मैं ये नहीं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं खुद अपने आप को भी सिखा रहा हूँ। मैं जाऊँगा घर पे, खोलूंगा, देखूंगा क्या क्या समझाया आप लोगों को। एक अच्छा टीचर वही होता है जो खुद सीखे, दूसरों को भी सिखाए, बच्चों को भी सिखाए। हालेलुया, चलिए एंडिंग करेंगे, चलिए कोई प्रार्थना करेगा इस वचन के लिए जो प्रभु ने दिया, प्रभु का धन्यवाद। इसको नोट करेंगे, बहुत बढ़िया है, नोट भी कर लीजिए आप लोग, इसको नोट करना है, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा लिखा बात पूछ सकते हैं। प्रेयर कोई करें वचन के लिए, प्रभु ने इतना अच्छा वचन दिया, सिर्फ सुनने वाले ही नहीं।